सो दोस्तों वेलकम बैक इन अवर न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर सेल सिमुलेटर एंड ये एपिसोड होने वाला है 11। तो यहाँ पे हम लोग अपना सुपर कार जो है सेल करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को अपना शॉप जो है वो बड़ा करना है। तो इसके कारण हमको अपनी सुपर कार फरारी जो है सेल करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे हम लोग अपनी न्यू सुपर कार यानी की ऑडी की जो है टॉप स्पीड चेक करेंगे। तो चलते हैं फटाक से वीडियो के अंदर। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को, हम फिर से आ चुके हैं गेम के अंदर। एंड यहाँ पर हम लोग जो है सुबह हो चुकी है और यहाँ पर ऑफिस डर्टी बता रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने ऑफिस, देखते हैं हमारा वर्कर जो है काम कर रहा है कि नहीं। अभी डर्टी जो है वो क्लीन हो चुका है बट यहाँ पे अनपेड बिल्स जो आए हैं तो सबसे पहले उनको पेड कर देते हैं। वेब पेजेस बिल्स, ओके ये बिल्स आया हुआ है हमारा तकरीबन 1,52,000 का, तो मैंने कर दिया है बिल पे। और अभी आज तो कोई सेल वगैरह है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के कलेक्शन में जो है फरारी, दो फरारी और ये एक तीन फरारी और एक बाहर रखी हुई है, चार फरारी है हमारे कलेक्शन में फिलहाल। चार भी नहीं, पाँच, एक और ये भी फरारी है भाई। तो आज तो कुछ दिन है ही नहीं फिलहाल, तो कहाँ आज कार मार्केट ओपन है तो वहीं चलते हैं क्योंकि वो पैसे जो है मेरे को करने पड़ेंगे। तकरीबन 1,60,000 जो है मेरे लग चुके थे क्योंकि 10,000 की मैं रेस भी आ रहा था। ये फरारी फिर से मिल गई है, 2,90,000 बोल रही है, तो कितना देना चाहिए इसको? 2,90 बोल रही है ना, तो तकरीबन 2,30,000 इतने ही मिलने चाहिए बाय द वे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है इसकी जो कार है PI7, देख लेते हैं इसकी आईडी जो है। ये देखो भाई डैमेज भी काफ़ी है, दिख ही रही थी वो डैमेज काफ़ी है। अभी 266 पे आ गई भाई, मैं इसके सही दे रहा था लो 2,30,000, तो फिर भी ये दे दी उसने 2,30,000 में, पहले दे नहीं रही थी आंटी। एक काम करता हूँ मैं इसको भी छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में लेके जाऊँगा और कार देख लेता हूँ मैं। इस टोयोटा सुप्रा इधर पड़ी हुई है, लॉर्ड मस्टैंग, चलो ठीक है इसको ले लेते हैं भाई। ले लें क्या इसको? क्योंकि ये बहुत सस्ती दे रहा है मैं देखा जाए तो, नहीं ले रहा इसको छोड़ो। और ये कार बढ़िया है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं इस पर। 77,000 की दे रही है तो तुम मुझे 260,000 की ओनली दे देगी? नहीं दे रही है, 62 ले लो और क्या दे दी, समझ ही रहा था। इसको भेज देते हैं। ये कौन सी कार है भाई? एक और फरारी भाई, फरारी तो बहुत ज़्यादा मिल रही ना। एक काम करते हैं फरारी का, फिर एक काम करते हैं सेल करते हैं फिर फरारियों को। 2,12,000 में दे रहा है, एक्सपर्टी चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1,80,000 दे दे मेरे को, दे देगा आई नो। इस फरारी को सीधा शोरूम पे जो है भेज देते अपन लोग। और कोई कार, ये एक और रखी पड़ी है, ये टोयोटा सुप्रा, ये सही है भाई, लेकिन ये इसका 71 बोल रहा है वो, 60,000 ओनली इतना ही मिलना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे जो है नहीं मिलते हैं। चलो आप भी चले जाओ। बाकी ये कौन सी कार है भाई? ऑडी, ये लेकिन काफ़ी सस्ती मिल रही है। तो ये देख लूँ क्या ये कौन सी कार है, NG5, ये अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इसका। तो काम करते हैं, 59 बोल रही है, तो सबसे पहले इसकी एक्सपर्टीज चेक कर लेते हैं, कहीं एक्सपर्टीज गलत ना हो, मेरे को चूना ना लग जाए। एक्सपर्टीज चेक करके बताओ हमको ये सही है या नहीं। ओके ये दोनों चीज़ें गलत हैं, टर्बो और रेसिंग ड्रिफ्ट जो इसके अंदर नहीं है। बाकी पहले ही हमको देख रही थी 59 का और ये अभी आ चुकी है 53 पे, तो इसके दूंगा मैं ओनली 45 बोल दूं क्या, 45 देखते हैं देती है कि नहीं। दे दी उसने कार, शायद मेरे को और कम बोलना चाहिए था बट कोई ना। बट इसको लेके कैसे जाऊंगा मैं भाई, टू ट्रक तो अपना एक्टिव ही नहीं है और ना ही वो कार मैकेनिक वाले जो हैं वो भी एक्टिव नहीं है भाई। चलो एक फ्री हो गया, चलो भेज दिया मैंने अपनी कार को, बाकी इसको चला के लेके जाते हैं। अभी जो है सारे पैसे जो है इन गाड़ियों से निकल जाएंगे। बाकी फरारी इतनी सारी हो चुकी है ना भाई, क्या ही बोले। भाई ठोक मत दियो, ठोक दी, मैं यही चाह रहा था ठोक ना दे भाई, लेकिन ठोक ही दी उसने। चलो चलो कार ब्रोक डाउन भाई, नहीं चलेगी क्या फिर ये? खत्म हो गई भाई ये, चलो रिपेयरिंग पे इसके पैसे देते हैं, रिपेयर कराते हैं पहले इसको, रिपेयर करा के फिर उसको सेल करेंगे भाई, चलने लायक ही नहीं बची वो कार तो। 1,500 भाई कितना ज़्यादा पैसा मांग रहा है ब्रो,
चलो ठीक है, तू 1500 ले और रिपेयर मार इसको। और ये भी कौन सी कार है ये, इसको भी रिपेयर मारते हैं, जो भी कार है ये। चलो दोनों को रिपेयर पे डाल दिया हूँ मैं फिलहाल। मान लो कि दोनों पे, एक पे 1500 लगा है और एक पे $1000 के आसपास जो है पैसे लग चुके हैं। फिलहाल इन कार्स को जो है सेल पे लगाता हूँ अंदर ले जाके। चलो इस कार को जो है अंदर लगा देते अभी। ऐसे देखा जाए तो ये कार भी काफ़ी डैमेज लग रही है भाई, इसको भी रिपेयर करा दें क्या? छोड़ो इसको रिपेयर नहीं कराते, इसको डायरेक्ट सेल पे लगाते हैं भाई। और ये भी कार अच्छी है भाई, ये कार अच्छी है दोनों। ये तो अपने फरारी है भाई, ये फरारी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ फरारी को इसको मॉडिफाई कराऊँ या नहीं, या सेल करा दूँ डायरेक्ट। नहीं, सेल करा देते हैं डायरेक्ट, फरारी को मॉडिफाई नहीं कराते इसको। बाकी मुझे आइडिया नहीं कि कार ऑक्शन है या नहीं, फिलहाल के लिए मैं फंस गया भाई, फंस गया मैं, फंस गया। चलो निकल लिया मैं अभी फिलहाल। इन तीन कार्स जो आई हुई हैं, फरारी वरारी, इनको लगाते हैं भाई सेल पे। नॉट इन ऑफिस, ठीक है। सो सुप्रा को लगाते हैं 1,20,000। ये तो हमेशा इतने में ही जाती है भाई, 1 लाख तक में चली जाती है। बाकी फरारी 1,80,000 में जो अपना परचेस की है, तो इसका कितना मिलना चाहिए? 4 लाख। देखते हैं मिलता ही नहीं, देख लेते हैं भाई। 62,000 की परचेज़ की है, तकरीबन 1,20,000 तो मिलना चाहिए आई थिंक इसका। बाकी देख लेते हैं मिलती है या नहीं। बाकी अपनी जो है कार ओल्ड पड़ी हुई है। ओके, कस्टमर पहला आ चुका है भाई, इतना जल्दी आ गया और सीधा फरारी लेने आया है। नाइस, ये सेम प्राइस पे पता लेने का बोल रही है, तो मैं इसको सेल नहीं करता हूँ, इसका प्राइस बढ़ाता हूँ, 4 से सीधा 8 लाख मारता हूँ। अभी मेरे को वैसे अच्छे प्राइस में मिल गई भाई ये, देखा जाए तो, क्योंकि 1,80,000 में तो परचेस की है और इसका 4 लाख तो आराम से मिल रहा है, तो 8 लाख कर देता हूँ सीधा डबल। कहाँ आ चुका है कस्टमर? कोई तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ये रहा क्या, टोयोटा सुप्रा लेने आया भाई, इतने में ही देंगे मैं। 89 बोल रहा है ना, 1 लाख देगा क्या? 1 लाख देगा तो ले ले। चलो भाई ले गया भाई। बाकी दो कार सामने पड़ी हैं, उनको लेके आते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे जो है कमा लेते हैं, क्योंकि दो फरारी मिल गई हैं मेरे को, इन दोनों को सेल कर देता हूँ सबसे पहले। तो तुम जाओ मेरी शॉप पे। कस्टमर आया क्या? कस्टमर इन द ऑफिस है तो कस्टमर। ओके, किस गाड़ी के लिए खड़ा हुआ है भाई वो? सेवलेट 1,20,000, 1,03,000 दे रहा है, तो एक काम कर तू 1,10,000 दे दे। ले गया, चलो अच्छी बात है। बाकी ये कार्स को देख लेता हूँ सबसे पहले, इसमें मैंने कितने पैसे लगाए थे? 45, तो तकरीबन ये मेरे को 46 की पड़ी है रिपेयर करा के। अच्छा46 की पड़ी है और इसको भी मैंने रिपेयर कराया है। हाँ अभी हुआ ना चेंज भाई, मैं बोल रहा चल क्यों नहीं रही है ये। चलो कस्टमर आ चुका है एक और। इस फरारी को जो है सेल पर, इसको भी लगाते हैं सेल पर। सबसे पहले देख लेते हैं ये कितना दे रही है मेरे को। मैंने 8 लाख डाले हैं भाई, 4 लाख दे रही है मेरे को। और रुक जाओ तुम, इससे पूछते हैं, ये थोड़े सही दे रही है, तो 5 लाख ऑफर करें इनको। नहीं होता है ना, नहीं होंगे। ले गए भाई 5 लाख डॉलर में, ले गई भाई, ये सही सीन हो गया। बाकी अभी जो कार NG5 जो पड़ी है, ये मेरे को 46 की पड़ी है, तो इसको मैं 90 तक मैं बेच सकता हूँ क्या? मुझे ऐसे आइडिया तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं लगा देता हूँ। बाकी ये फरारी मेरे को पड़ गई है तकरीबन 232 तक की। को कितने में सेल करूँ मैं? इसके 8 लाख मिलने चाहिए अभी, ठीक है। बाकी इसके 8 लाख जो है मिलने चाहिए। और बाकी कोई कार तो नहीं है ना? ये अपनी फरारी दो और पड़ी हैं, दो और एक तीन और दो पांच, पांच फरारी अभी अपने पास पड़ी हुई हैं भाई। रात हो गई, निकलते इधर से, और क्या करें अभी रात में, कोई कस्टमर तो नहीं आने वाला। 1,33,000 का प्रॉफिट जो है हो चुका है। इसके बाद अपने पास दो गाड़ियां फिलहाल और पड़ी हुई हैं,
यहाँ पे कोई कार नहीं है भाई, सारे डब्बे पड़े इधर। और बाकी आज ऑक्शन है, ऑक्शन है 3 बजे। चलो 3 बजे तो काफ़ी समय है, ऑफिस अपना ओपन जो है ही। और अपन लोग सबसे पहले गाड़ियों को साफ कर देते हैं ताकि थोड़ी एक्सपर्टीज जो हमको मिल जाए इन फ्यूचर, थोड़ा सा अपडेट जो हम लोग कर सकें हर किसी चीज़ को, क्योंकि हमारा वर्कर जो है ओनली 5x EXP देता है ओनली अपने को। फिलहाल अपन लोगों ने 10 EXP तो आराम से जो है कमा ली होंगी। बाकी कस्टमर जो है आ चुके हैं, छोड़ते हैं इसको, कस्टमर से बात करते हैं। फरारी लेने के लिए आए हुए हैं, 4,35,000 दे रहा है भाई, जबकि वो कार तो थोड़ी बहुत डैमेज थी, उसके मेरे को 5,00,000 मिल गए थे। 66 बोल रही है, आई थिंक कम है ये, 80 मिल सकते हैं गैस के, रहने दो फिर आप। अच्छा यही था वो जो कम दे रहा था, बाकी इसको देखते हैं। 431 नहीं यार, इतने में सेल नहीं करूँगा मैं, बहुत कम प्राइस जो है लगा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा जो है बढ़ाओ फिर सोचेंगे। ये तो बहुत ही कम बोल रहा है, 53 बोल रहा है भाई। अच्छा एक और कस्टमर आ चुका है, 53 में तो कुछ भी नहीं होगा, ये 73 बोल रहा है। ओके ये मेरे को शायद से 80,000 तक दे देगा, दे दिया, मैं समझ गया था। बाकी आंटी आ चुकी हैं फरारी लेने के लिए, फरारी का बहुत कम प्राइस जो है आप लगा रहे हो, इतने में सेल तो नहीं कर सकता हूँ मैं भाई। 6,00,000 का ऑफर दे दिया मैंने इसको, 4,00,000 में नहीं सेल होती है आंटी ये। ये कार सारी मॉडिफाइड कराई गई है भाई, ये वाली भी एंड वाइट वाली भी। आई थिंक वाइट वाली का तो मुझे नहीं पता है लेकिन देख लेता हूँ मैं, वाइट वाली डैमेज है भाई, ये नहीं कराई गई शायद मॉडिफाइड। कोई नहीं, वाइट वाली को भी परचेस पे डाल देते हैं, काम करते हैं फिर, क्योंकि इस बार फरारी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपने को मिल रही है। ये वाइट वाली है, इसको 320 का तो परचेस करा है मैंने, तो तकरीबन 7,00,000 जो है मिलने चाहिए इसके मेरे को। दोनों को परचेस पे लगा दिया हूँ, ये फरारी जो है मॉडिफाइड है, बाकी ये सारी कार से दर जो रखी हुई हैं वो सारी मॉडिफाइड हैं, ये फरारी भी, ये ऑडी भी, और ये पोर्स भी, लैम्बर्गिनी भी, और ये दोनों फरारी भी। मैं सीधा ऑक्शन में जाने वाला था भाई, बट यहाँ पे कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, इस वाली ब्लू कार को लेके जाऊँगा मैं। चलो कस्टमर आ चुका है पहला, तो आई थिंक फरारी ही लेने आया होगा। ये वाइट वाली क्या, वाइट वाली के कलर थोड़ा ना ब्राइट है तो अच्छा लगता है देखने में। 395 बोल रही है भाई, इतना तो बहुत ज़्यादा कम है ये, 6 बहुत ज़्यादा कम है ये भाई। तू खड़ा रहा 1 मिनट तब तक दूसरा कोई कस्टमर आने दे, अगर इतने सस्ते में सेल कर दिया। ओके आ गया एक और कस्टमर, इतने सस्ते में सेल कर दिया तो भाई मुझे तो कुछ मिलने ही नहीं वाला ना उसमें। इस कार को जो है मैं बाहर रख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि कार ऑक्शन में भी जाना है मेरे को अभी। भाई ये थोड़ा अच्छा पैसा दे रही है, 5,50,000 नहीं दे रही है भाई, 5,20,000 चिट। एक और कस्टमर आया था भाई उसके लिए, क्या करें अभी तो 2 मिनट बाकी हैं। चलो 24,00,000 जो हो चुके हैं, एक और कस्टमर जो है आ चुका है, 2 कस्टमर एक्चुअली आ चुके हैं। नाइस, मतलब आराम से मैं ऑक्शन में जा सकता हूँ, 3 बजे अभी काफ़ी समय है। हाँ जी बताओ कितना प्राइस दोगे आप, 4,30,000 नाइस, ये बहुत कम बोल रहे भाई, बहुत ज़्यादा कम। एक और कस्टमर आया भाई, मुझे लगा ये वही है, 4,35 भाई, इतने में ही जा रही है बताए, ये 5,00,000 से ऊपर नहीं जा रही है, 5,20,000 ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 5,00,000 रुपए ही जो है मिलते हैं इसके पास, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं फरारी के। कितना भी मॉडिफाई करा रहा हो भाई, 5,00,000 रुपए से 1 रुपए ज़्यादा नहीं मिलता है। सबसे पहले ऑक्शन में जाके देख लेते हैं कौन सी कार जो है आई हुई हैं, ताकि हमारे $300 जो है वेस्ट ना जाएं। ये कोई खटारा गा रहा भाई, चलो आगे जाओ। ये थोड़ी ठीक ठाक कार है, ये भी थोड़ी बहुत ठीक है, और ये तो खटारा है भाई, मतलब इनमें से एक कार जो है वो ठीक है, बाकी तो ख़त्म है। चलो कोई ना, एक तो परचेस कर लेंगे अपन लोग। कस्टमर आए क्या ऑफिस में, नहीं आया, चलो चलते हैं अभी।
रेसिंग मारते हैं भाई, रेसिंग मारने की तरफ चलते हैं। कस्टमर आए क्या ऑफिस में? नहीं आया, चलो चलते हैं अभी। रेसिंग मारते हैं भाई, रेसिंग मारने की तरफ चलते हैं। देखते हैं इनमें से सबसे हैवी जो है ये यही कर रहा होगा। इसके पास स्पोर्ट्स फरारी खड़ी हुई है, 5,294 भाई। ऑक्शन निकल जाएगा अपना यार अकबल अभी रेस करने बैठे तो फिलहाल हम लोग रेस नहीं कर सकते हैं बाकी, वरना ऑक्शन निकल जाएगा अपना। ऑक्शन कंप्लीट करने के बाद जो है रेस कर सकते हैं आराम से। कस्टमर आ चुका है ऑफिस के अंदर। इसके अंदर गाड़ी के अंदर फ्यूल कम हो गया तो फ्यूल डालना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले NG5 स्टेशन वाले जो है ले जाओ कार को, 79 बोल रही है। चलो एक काम करो 85 दे दो, ले जाओ कार को। दे दिया, नाइस। 29,400 तकरीबन हो चुके हैं मेरे पास ऐसे। अभी क्या करने वाले, ऑप्शन में जाऊं या फिर कहाँ जाना ज़रूरी है? ऑक्शन में चलते हैं, काम करते हैं। क्या ड्रिफ्ट लगाई मैंने भाई, दे दे भाई तू टिकट। चलो ये BMM सीरीज़ 1 आ चुकी है तो मैं परचेस नहीं करूँगा क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है, इसमें कुछ पैसे नहीं मिलने वाले। चलो सेकंड कार आ चुकी है, ये कौन सी कार है भाई? टोयोटा एवरॉन, इसको शायद मैं देखो 50 तक प्राइस जाती है इसकी, 50,000 तक लोग देते हैं इसको, या 34 तक इसके प्राइस जो है चले गए हैं, लेकिन ये मेरे को लग नहीं रहा है कि 50 तक इसके प्राइस जाएंगे। इसके बाद वाली कार जो है चाहे वो टोयोटा सुप्रा है या फिर, लेकिन इसके बाद वाली कार जो है वो ठीक ठाक थी, ये वाली ऑडी RR। आओ भाई इसका प्राइस देखो, ये तो मेरे लिए ही बनी है भाई, इसी कार के लिए तो आए हम, 4,42,000 भाई। 5,00,000 तक इसका प्राइस चला गया, मतलब इसको सेल करूँगा तो कितने में जाएगी ऑडी? अच्छे 8,00,000 तक मिल जाते हैं इसके भाई, मैंने देखे हैं। 5,50,000 तो इधर ही लग गए भाई। चलो मेरी हो गई फाइनली, ये डब्बा नहीं चाहिए भाई, स्किप करो इसको। चलो ऑडी ले लिया अपन लोगों ने, यहाँ से चलते अभी। ऑडी को सेल मारे क्या भाई? एक यार ऑडी के अंदर ना बताया क्या होती है, ऑडी के अंदर नाइट्रो नहीं है भाई, कुछ भी कर लो उसके अंदर नाइट्रो डालती नहीं वो लोग। ऑडी को एक बार रेस में ले जाके देखते हैं भाई क्या करती है ऑडी। चलो छोड़ देते हैं बे, बाकी ऑडी को लेके आते हैं अभी। ऑडी तो एकदम नई है भाई, एक काम करते हो ऑडी का मैं टेस्ट करने के लिए लेके जाता हूँ कैसी चलती है ये कार। बाकी मॉडिफाई के लिए पहले एक काम करते हैं, मॉडिफाई पे डालते हैं इसको, कुछ अगर मॉडिफाई कर सके रेसिंग वगैरह किट इसमें डलवा के सीधा निकलते हैं अपन लोग इसको। भाई 8 बजने वाले हैं तो रात होने वाली है। अरे
अरे यार उस खटारा कार को हटा के मेरी रिपेयर करना यार तू। भाई ये देखो भाई, हाँ ड्रिफ्टिंग किट नहीं डलाने मेरे को इसके अंदर। रेसिंग किट पड़ी है क्या? ओ भाई रेसिंग किट डलवा ली अपन लोगों ने कार के अंदर। अब इसकी रेस जो है चेक करने के लिए ले जाते हैं, तब तक रात हो जाएगी, बट कोई ना। चलो सबसे पहले अभी ऑडी का टेस्ट जो है कर लेते अपन लोग। कार मार्केट ओपन है क्या आज भाई? कार मार्केट ओपन है तो कार मार्केट चलते हैं, वहां से लेके आते हैं कोई अच्छी सी कार जो है हमको मिल जाए। तो ये कार अच्छी है, इसको अच्छे प्राइस पे चली जाती है कार। फियाट एक 60 बोलता हूँ इसको, 1,60,000 और दे दिया उसने भाई। मेरे को लगता है 1,50 पे भी दे देता है ये। ₹55,000 ओबे कितना डाल दिया मैंने इसका। अरे60,000 चलो 60 में दे दी इसने मेरे को ये वाली कार। और एक ये रहे कोच, एक 40 बोलता हूँ इसको, 1,40,000। चांसेस कम है लेकिन नहीं देगी पता है मेरे को। 1,50 पे दे देगी भाई। चलो अपने को, अरे यार नाइबर रोड क्यों पहुंच चला गया मैं? मेरे को जाना चाहिए था ऑफिस। बेफालतू में 10 और 10 $20 जो है अपने वेस्ट हो गए। चलो इन कार से जो है सारे पैसे जो है निकाले जाते हैं। अरे फियार्ड से नीचे उतरना भाई। अरे पोल्स है, इसको सेल करना है या रखूं अपने पास? पोल्स के वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं भाई, इसको रखते हैं, काम करते हैं अपने पास। ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं तो इसको, और मिलते भी बहुत कम है देखा जाए तो इसको। बाकी ये दो कार जो है उनको सेल पे लगा देता हूँ। अब फियात को लगाना है, फियात के कितने मिलेंगे? तकरीबन मिल जाएंगे मेरे को 3 लाख के आसपास, 4 लाख जो है डाल देता हूँ, देखते हैं कितना मिलता है। और इसके डाल देते पर लोग 60 मिला ना इसका, तो 150 देख लेते हैं, जितना मिलता है उतना सेल जो है कर देंगे। हो सकता है कस्टमर अभी आ जाए, हो सकता है ना आए, तो सबसे पहले अपन लोग, कस्टमर तो फिलहाल नहीं आ रहा है। मैं ऑडी की रेस रेस जो है चेक कर लेता हूँ कितना आई रेस पे जो है जाती है कार, क्योंकि अगर मैं इसको लेके गया रेसिंग के लिए तो मुझे क्या मिलेगा? ले चल भाई तू मेरे को डेजर्ट पे ले, डेजर्ट पे ले चल। आ गए क्या डेजर्ट पे अपन लोग? देखते हैं कितना रेस जाता है इसका भाई।
क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो है नाइट्रो तो है ही नहीं। दो सौ पचपन, दो सौ साठ, दो सौ सत्तर, दो सौ अस्सी, हाँ 300 तक जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। 297, 300, 300 प्लस, 303 की जो है इसकी स्पीड गई भाई। चलो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आप लोगों को आज मैंने ऑडी की टॉप स्पीड जो है चेक करा दी, वो ओनली 300 प्लस है, 303। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइज़।